उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र बहराइच द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम मैदान में पहले दिन 408 व 1000 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सहित स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। बालक वर्ग में 400 मीटर की दौड़ प्रयागपुर में गोविंदा पांडे प्रथम और 800 मीटर की दौड़ में बलहा के सुनील कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे। तभी आए हुए अतिथियों को बैच लगाकर स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेलकूद हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त किया और पढ़ाई और खेल दोनों में ध्यान देने के लिए कहा। इतने आयोजन की सराहना करते हुए समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने की जरूरत बताई। बतौर मुख्य अतिथि जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र बहराइच सुश्री अनन्या जी रही। उन्होंने बालिका वर्ग की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया व बालिकाओं को समाज में आगे आने की बात कही। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयं सेवक अश्वनी मिश्रा, सुंदरलाल अवस्थी, जितेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, शिवेन शुक्ला, हरिओम मिश्रा, अनुभव शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में युवक मंडल दल के नवयुवक युवतियां मौजूद रही। कार्यक्रम संचालक में दिवाकर श्रीवास्तव, आदर्श मिश्रा की विशेष भूमिका रही। उन्होंने बताया कि कल सुबह वॉलीबॉल व कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित होगी और इनमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम का समापन होगा। तो आप ऐसा किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चुनिए, हर ट्यूसडे होती है जन सुनवाई, है ना? तहसील दिवस होता है, किस किस को पता है तहसील दिवस के बारे जी? कोई किसी ने अटेंड किया है? मैंने अटेंड किया है एक दो बार, किसी और ने अटेंड किया है? और एक आपका होता है लोक चौपाल, लोक चौपाल होता है थाना दिवस अटेंड किया, आदर्श पांडे जी के साथ 24 आवर्स 24 घंटे की, जिसमें डीएम सर आके और आपकी एक मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको सुनते हैं। समाधान तो तुरंत के तुरंत नहीं हो पाता है, लेकिन एटलीस्ट सुनवाई हो जाती है। उस 24 घंटे कोई नहीं सोता है, दिन भर रात भर सिर्फ आप अपनी समस्याएं बताते हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और तीसरा प्लेटफॉर्म है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप इतनी सारी चीज़ें वायरल कर सकते हो। अब कल आया है जामिया यूनिवर्सिटी का जो वीडियो क्लिप है, है ना? मैंने भी कल ही देखा, मुझे इससे पहले नहीं पता था। मैं सोच रही थी कि हो सकता है यार पुलिस की गलती नहीं होगी, और कई सारे विचार थे मेरे मन में, कल जाके चीज़ें क्लियर हो गई। तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा हेल्दी प्लेटफॉर्म है कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? सब यूज़ करते हैं। फेसबुक ब्रह्मास्त्र है, उसको आप लोग फ्रेंडशिप और इस सब के लिए ना यूज़ करिए, बल्कि आप अपने इलाके की प्रॉब्लम्स उस पर पुट अप करिए, उस पर प्रस्तुत करिए, वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए। कहीं आपको दिख रहा है कि करप्शन हो रहा है, कोई पैसे खा रहा है, तुरंत उसको रिकॉर्ड करो। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जिला अधिकारी शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दर्जनों परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिले में 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 54,696 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल विहीन व पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए डीएम ने पूरे जिले में 87 परीक्षा केंद्रों को 6 जोन व 9 सेक्टरों में बांटा गया है। 1 जोन व सेक्टर के लिए 1 जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जनपद के सभी 87 परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश पांडे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कैसे इनकी निगरानी की जा रही है? देखिए, 87 सेंटरों पे जनपद बहराइच में परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है, और अभी हम लोगों ने कुछ केंद्रों का मुआयना किया है। हर एक केंद्र पे प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग से मॉनिटरिंग हो रही है। जिले स्तर पे एक इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे किस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं, कहीं पे कोई कमी आती है तो तत्काल केंद्र व्यवस्थापक को सूचना दी जाती है, नोटिस भी इशू की जाएगी। पूरी पहल है कि सरकार की जो मंशा है नकल विहीन परीक्षा की, उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई चूक ना हो, और यदि कोई लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों को किसी तरह की समस्या ना हो परीक्षा देने में, इसका भी ध्यान रखा जाए। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उदय राज ने बताया कि जनपद बहराइच के मास्टर ट्रेनर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बहराइच जनपद के बच्चों को जनपति मास्टर ट्रेनर हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधीन में यूनिसेफ के अंतर्गत यंग लाइफ संस्था के द्वारा बहराइच जनपद से मास्टर ट्रेनर हेतु ARP प्यागपुर राजेश कुमार मिश्र, प्रियंका चौबे, मधुलिका चौधरी, वंदना नेगी तथा डायट लेखाकार अमित श्रीवास्तव को मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य उद्यमिता संस्थान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। इन सभी का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। शिक्षा महानिदेशक के आदेशानुपालन में अब यह मास्टर ट्रेनर प्रत्येक ब्लॉक के 4-4 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे तथा यहीं पर शिक्षक बच्चों के जीवन कौशल का विकास करेंगे। बच्चों में शिक्षा से सभ्यता संस्कार प्रत्येक क्षेत्र में विकास उनके पथ को अग्रसर करना होगा, जिससे अपने बहराइच जनपद का प्रदेश स्तर पर बच्चों के जीवन कौशल स्तर पर उच्च स्थान मिल सकेगा। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच।